नमस्कार, हजारी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबरें। नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आइए डालते हैं आज की क्या है खास खबर। शुरुआत सबसे पहले ललितपुर से करते हैं। फिलहाल इससे पहले हम आपको बताते चले कि आज तालबेहट में राजा मर्दन सिंह का बलिदान दिवस भारत गढ़ महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस खबर का आज हम आपको पार्ट टू का पूरा एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम अपने चैनल पर पार्ट वन अपलोड कर चुके हैं और इस खबर को दिखा चुके हैं। अगर आप पार्ट वन को देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर हजारिया टाइम्स को सर्च कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर हमारी इस खबर को पार्ट वन को मर्दन सिंह के बलिदान दिवस के पार्ट वन पर भारतगढ़ महोत्सव की इस खबर का पार्ट वन का विश्लेषण देख सकते हैं। आइए डालते हैं पूरी खबर पर एक नज़र। जिलाधिकारी आलोक सिंह व पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में थाना नाराहाट में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जनता की समस्याओं को सुना गया, जिनमें थाना नाराहाट में 6 प्रकरण आए, जिनमें 4 प्रकरण राजस्व से संबंधित व 2 प्रकरण पुलिस से संबंधित थे। पुलिस से संबंधित 2 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया। राजस्व से संबंधित मामलों में जाँच कर संबंधित को तत्काल निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया। मिशन ग्रीन यूपी वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार अग्रवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन ललितपुर परिसर में वृक्षारोपण किया गया तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी व प्रभारियों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर अभियान को सफल बनाने हेतु निर्देशित किया। अब हम तालबेहट के भारतगढ़ दुर्ग महोत्सव महाराजा मर्दन सिंह के बलिदान दिवस पर पार्ट टू की खबर पर डालते हैं नजर। पार्ट टू में सायं के समय जो कार्यक्रम हुए, इसमें जिलाधिकारी आलोक सिंह व पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार अग्रवाल मौजूद रहे। राजा मर्दन सिंह पुण्यतिथि पर भारतगढ़ महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। मर्दन सिंह के वंशजों का जिला प्रशासन ने किया सम्मान, वृक्षारोपण किया। स्वतंत्रता आंदोलन में रानी लक्ष्मीबाई एवं राजा मर्दन सिंह के योगदान पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री। स्कूली बच्चों एवं कलाकारों ने दी सांस्कृतिक कार्यक्रम बुंदेली लोकगीत की प्रस्तुति। बुंदेली सहरा राई बिजना नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। शासन के निर्देशानुसार 22 जुलाई यानी आज भारतगढ़ दुर्ग तालबेहट के किले में भारतगढ़ महोत्सव का आयोजन जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, मंत्री प्रतिनिधि चंद्रशेखर पंत, नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बुंदेली कलाकारों की बात करें, चाहे हम स्कूली बच्चों की बात करें, मनमोहक प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की। सैकड़ों नागरिकों ने कार्यक्रम का लुत्फ उठाया तो वहीं कार्यक्रम की भूर भूर प्रशंसा की, लोगों ने तारीफ की। ताओ हो भी क्यों नहीं, तालबेहट में वो भी पहली बार भारतगढ़ महोत्सव मनाया गया, वो भी राजा मर्दन सिंह के भारतगढ़ दुर्ग में और महाराजा मर्दन सिंह के बलिदान दिवस को इतने ऐतिहासिक तौर पर तालबेहट के इतिहास में पहली बार मनाया गया। आज का महोत्सव वो गाथा लिख गया जो कहीं ना कहीं अगले वर्ष तक याद रखा जाएगा। सबसे पर राजा मर्दन सिंह के वंशज छत्र प्रताप सिंह जूदेव, कुंवर शैलेंद्र सिंह जूदेव, कुंवर उदयवीर विक्रम सिंह जूदेव एवं कुंवर ग्रंथवीर सिंह जूदेव तथा लोकतंत्र सेनानियों का साल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उन्होंने किला परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मोहिनी ग्रुप द्वारा सहरा, निशांत भदौरिया ग्रुप द्वारा राय तथा भगवान दास ग्रुप के कलाकारों द्वारा बिजना नृत्य सहित देशभक्ति गीत एवं एकल गायन व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। प्रस्तुतियों के माध्यम से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में राजा मर्दन सिंह के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में दिए गए योगदान व कार्यों पर डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। वह जनपद ललितपुर के गौरवशाली इतिहास के बारे में लोकगीतों के माध्यम से बताया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी के पांडे, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अंकुश श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे लवकुश त्रिपाठी, उपायुक्त श्रम रोजगार रविंद्र वीर यादव, DFO गौतम सिंह, उप जिलाधिकारी तालबेहट श्री राम यादव, सहायक निर्देशक सूचना सुरजीत सिंह, खंड विकास अधिकारी तालबेहट राजेश कुमार बघेल, पर्यटन अधिकारी हेमलता सहित समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी व बड़ी संख्या में जन समुदाय मौजूद रहा। अंत में तालबेहट नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार ने सभी का आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि आज श्रीमान जी के आदेश से अमर शहीद महाराजा श्री मदन सिंह जी के बलिदान दिवस को शासकीय स्तर पर आयोजित किया गया है। मैं इस अवसर पर महाराजा श्री मदन सिंह जी को सब सब नमन वंदन व ब्रह्मधन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। महाराजा मदन सिंह अमर रहे, अमर
ग्रेट विक्टोरिया सरकार मंदिर पर नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परियार ईओ निहाल चंद द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान पार्षद मनु ठाकुर, दीपू गोस्वामी, शुभम रजक, विजय सोनी, बल्लू छोटे लाल साहू, ललित अगरिया, मनीष झा, राजेश झा मौजूद रहे। अपने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर हालत गंभीर झांसी रिवर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत काशीराम कॉलोनी में अज्ञात कारणों के चलते युवक ने जहर का सेवन कर लिया, जिससे हालत गंभीर होने पर परिजनों द्वारा निजी वाहन से आनंद फानंद में तालबेड़ सी 80 लाया गया। जानकारी के अनुसार संजू उम्र 20 वर्ष, पुत्र हीरा रेकवार निवासी काशीराम कॉलोनी, हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। न्यायालय से वंचित चल रहे 11 वारंटियों को तालबेड़ पुलिस ने दबोचा। इस पूरे मामले पर सीओ प्रदीप कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। 21/7/2023 की रात्रि में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में गैर जमानती वारंटियों को गिरफ्तार करने का अभियान जनपद ललितपुर में चलाया गया था। उसी के क्रम में तालबेहट पुलिस के द्वारा कल 11 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हम ग्राम करेंगा कि उस घटना को बता रहे हैं, गाँव के ही एक व्यक्ति द्वारा गाँव के ही दूसरे व्यक्ति को उसका खेत नहीं लेने पर जैसी में जानकारी मिली है। इसको लेकर शरारती तत्वों को स्कॉर्पियो गाड़ी में लाकर कहीं ना कहीं गांव में शराब पी गई, इस गाड़ी में बैठकर शराब पीकर मारपीट की गई। तेरे पड़क चौकी इंचार्ज को जानकारी दी गई तो भाई मौके पर पहुंचे और गाड़ी को कब्जे में किया और चौकी तेरी फाटक चौकी ले आए। एक पूरा वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें शराब की बोतल मौजूद है और इस शराब का यहाँ पर पहले सेवन किया गया। मुन्ना सन ऑफ दशरथ सेन को उसके घर जाकर मारपीट की गई। उसका कसूर केवल इतना ही था, जैसे कि हमें जानकारी मिली है कि उसने उक्त व्यक्ति का खेत जुताई करने से या ठेका पर लेने से मना कर दिया था। क्या किसी से जबरदस्ती है? अगर किसी का काम नहीं करना तो आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं डाल सकते, उसके साथ मारपीट करना एक अपराध। तेरे पाठक चौक के इंचार्ज प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे, गाड़ी को कब्जे में लिया और सातिर अपराधियों को भी कब्जे में लेकर YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।